अच्छा बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे किस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें आता है कि स्वतंत्रता के समय देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और पहली सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई, और तीसरा आ सकता है कि महाविभाजन का वर्ष कौन सा माना जाता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश शासक का उद्देश्य क्या था और हमारी देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी होने के पीछे क्या क्या कारण थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह आ सकता है कि हमारे देश की विशेषताएं क्या थी, कब, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और विभाजन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा।